भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूं, सब कुछ सच कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। आपका नाम? सरस्वती, जयराम सरस्वती। देखिए सरस्वती जी, कुछ साल पहले आपके ऊपर हत्या का इल्जाम साबित हो चुका है। हाई कोर्ट में आपने अपील किया हुआ है, इसलिए यह विचार हो रहा है। आपने रोहित सिंह की हत्या किसी उद्देश्य के तहत की, ऐसा आप पर इल्जाम है। इसके लिए आपका क्या जवाब है? मैंने ये हत्या नहीं की है। सरस्वती जी, आप पर कत्ल का इल्जाम सारे सबूत के साथ साबित हो चुका है। ऑलरेडी आप सजा भी काट रही हैं, लेकिन अभी भी आपने रोहित की हत्या नहीं की, ये कह रही हैं? जी हाँ। योर ऑनर, मृतक रोहित सिंह सोसाइटी में बहुत नामचीन धनवान सेठ राममोहन सिंह के इकलौते बेटे थे। मुजरिम सरस्वती ऐशो आराम की जिंदगी की आदी होकर एक काम पिशाच बनकर मृतक रोहित सिंह के साथ शारीरिक संबंध बना लिया था। उसके पैसों के खातिर उसको ब्लैकमेल भी किया, इसलिए रोहित इनसे दूर भागने लगा। जब रोहित ने इसके भंडाफोड़ करने की बात कही तो बड़े प्यार से इसने इसे फ्लैट पर बुला लिया। रास्ता साफ करने के उद्देश्य से ही जानबूझकर इसने उसका कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस प्रोसीड। उस दिन रोहित और मुजरिम सरस्वती के बीच हुए झगड़े में सरस्वती चोट खाकर बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद किसी और ने उसका मर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रोहित के कत्ल में इस्तेमाल की हुई लोहे की रॉड पर फिंगरप्रिंट्स को गौर करके देखोगे तो किसी दूसरे के भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ मौजूद हैं। जिस फ्लैट में मर्डर हुआ, जब पुलिस अंदर आई वहाँ सिर्फ एक सरस्वती जी ही मौजूद थी। इसलिए केस चलने के दौरान इनकी तरफ से कोई दमदार डिफेंस नहीं हुआ, इसलिए इनका केस कमजोर हो गया और इनको सजा मिल गई। रोहित के पिता राम मोहन सिंह जी सोसाइटी में बड़े आदमी होने की वजह से और सबूतों की अच्छी तरह छानबीन करना छोड़कर मेरे क्लाइंट को सजा देना कैसा इंसाफ है? इस केस में मेरी क्लाइंट सरस्वती ने ये कत्ल नहीं किया कहने के लिए मेरे पास कुछ दमदार सबूत हैं। उन्हें अदालत में पेश करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अदालत से इजाजत चाहता हूँ। डिफेंस लॉयर के गवाह सबूतों को पेश करने की मंजूरी देते हुए इस केस को इस महीने की 18 तारीख को वायदा किया जाता है। अरे भाई बबलू, अपने करियर की शुरुआत करने के लिए तुम्हें यही केस मिला था क्या? हा? इतना कमजोर केस मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। इस केस को हार जाओगे तो तुम्हारे करियर क्या क्या होगा, कभी सोचा तुमने? मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा सर। इस केस को जीतने के लिए सबूत है तुम्हारे पास? उससे भी बढ़कर आत्मविश्वास है सर। ओके, वेल, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, थैंक्स। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। मेरे मुताबिक इस दुनिया में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। असल में आप कौन हैं मुझे नहीं पता। ऐसे में आपने अपने आप आकर मेरा केस क्यों टेकअप किया? मुझे लगा आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए केस मैंने टेकअप किया है। वैसे सब कुछ इतना आसान रहेगा तो केस लड़ने में मजा क्या आएगा, हम एक केस जीत कर रहेंगे। मैं फीस भी नहीं दे पाऊंगी। केस जीत कर आपका रिहा होना ही मेरी फीस है। ठीक है, आप कौन है मैं जान सकती हूँ? हाँ, समय आने पर मैं खुद बता दूंगा। लड़की देख यार, क्या मस्त आइटम है। अरे देख। अरे हाँ, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ विद्यार्थी और विद्यार्थिनी क्या बातें कर रहे हैं बताइए। मैडम, वो दोनों ए बकवास बंद करके बैठ जाओ। वो दोनों लवर्स है लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बैठ जाओ। वो दोनों लवर्स हैं, लव के बारे में बात करें मैडम। मुंह बंद करके बैठो।
वो दोनों क्लासमेट्स हैं, पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे तुम तो दिन में भी सपने देखते हो, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जाओ वहां जाकर खड़े हो जाओ। स्टूडेंट्स तुम सभी मिलकर इसे थप्पड़ मारो। अरे दिन में कितनी बार कॉफी पियोगे? मैं कितनी बार पियूं? क्यों रेडी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ये लो कॉफी पी लो। हां पियूंगा पियूंगा। पी देखो कॉफी मांग रहे थे। सुंदर लक्ष्मी की बेटी ने शॉपिंग पर बुलाया भैया। अरे छोटू कहाँ है? हैं बता। अरे ऐसा ही बाहर आ गया है? कोई पढ़ाई पे तेरा ध्यान नहीं है, बस दिन भर घूमता रहता है, हैं बस ऐसे। अरे अरे बाप रे, कहाँ है वो? ऐसे ही कह दिया भैया, पापा की हालत नहीं देख सकता। अरे छोटू हाँ बोलो। ठीक है मैं आती हूँ। वो तो बाहर आ रही है। यस सो When you will be back again? Uh-huh. Oh. No, no, no. I'll just try. I can't say. Yeah. Badi mast hai ye to. Yeah. Nothing, yaar. I'm just at home. Okay, yeah. Oops. Oh, I'll call you later. I'll call you. Oh. Oof. Oh. अरे बाप रे बड़ी खूबसूरत है ये तो। अरे इसकी शक्ल देखकर कौन लड़की से प्यार करेगा? हे एनुअल डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को लाकर तुझसे मिलाऊंगा। तो फिर बैट लगा कर दिखाओ। तेरी साइकिल मेरी साइकिल, बैट बैट बैट। लड़की से दोस्ती करके चिंटू को मेरी गर्लफ्रेंड से मिला के चिंटू की साइकिल जीतूंगा। अरे बबलू क्या कर रहे हो बेटा? बाप रे क्यों रे कालू, 302 में एक लड़की है ना, नाम क्या है उसका? नाम सरस्वती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अकेली रहती है, अभी तक शादी नहीं हुई है। बॉयफ्रेंड है उसका? अभी तक कोई नहीं है। यानी मेरा नंबर लग सकता है? ऐसे दूंगा तो छी नहीं, ऐसे दूंगा तो ऐसे आई लव यू कहूंगा। बात दिमाग बच्चों ने जीना हराम कर दिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लिफ्ट के पास क्या काम? चुप क्यों हो? बताओ बताओ। आपके खातिर डैडी। किस लिए? मेरी साइकिल है ना। हाँ तो उसका ब्रेक खराब हो गया है। हाँ। अब 500 रुपए दो ना डैडी। तेरे ब्रेक के लिए जितना पैसा दिया उसमें 2 साइकिल खरीद सकते हैं। ब्रेक ठीक करवाने के लिए 500 चाहिए, 500? ये 10 रुपए ले जाओ, ठीक करवा लेना। जा जा जल्दी यहाँ से। अरे जाना। अरे तू मुझे क्या देख रहा है? स्कूटर में बैठ, बैठना। हाँ खराब कर दिया। कितनी शांति से रहने वाला मैं, कितना गुस्से वाला बन गया हूँ मैं। बदतमीज बच्चे, जीना हराम कर दिया है। No, I don't know exactly what it is. yeah. Madam, आपका flower. Thank you. अब तेरी तो जिस लड़की को मैं पटा रहा हूँ उसी को फूल दे रहा है तू। रुक स्कूल में देखता हूँ तुझे। Good morning, madam. Good morning. Hello, mister. अभी जो लड़की अंदर गई है ना, वापस कितने बजे बाहर आएगी? शाम को 5 बजे। बच्चों मनुष्य के शरीर में 2 तरह के कीटाणु होते हैं, एक लाल रक्त कण और एक श्वेत रक्त कण। हम जो भी खाते हैं उससे हमारे शरीर में रक्त बनता है।
हमारे शरीर के जो लाल रक्त कण होते हैं वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, और श्वेत रक्त कण बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। इनकी कमी होने से हम बीमार हो जाते हैं। yes. ए रुको, yes, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो तुम? गर्लफ्रेंड से मिलने। अरे लड़की को पटाने को कहा तो हॉस्पिटल क्यों आ गए? अरे छोटू, असल में ऐसा होगा सोचा नहीं था, ये तो जल्दी में गलती हो गई। ओह माय गॉड, तुम्हारा बीपी इतना कम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्या हो गया बेटा, इतने जोर से क्यों चिल्लाए? सिस्टर, मेरे बेटे की तबीयत अब तो ठीक है ना? आपको अपने बेटे की हेल्थ कंडीशन नहीं, मेंटल कंडीशन को चेक कराने की जरूरत है। ए बहन, तुम्हारा बेटा समय से पहले ही जवान हो रहा है। क्या किया तूने? नर्स कितना सुना कर गई। क्या किया होगा, नर्स का हाथ पकड़ा होगा पापा की तरह। जैसा बाप वैसा बेटा, और क्या कर सकते। बाप की आदत तो बच्चों में आएगी, कुत्ता कहेगा। मुझे कुत्ता कथा मत कहो, बच्चे के अंदर बाप की आदत नहीं होगी तो क्या पड़ोसी की आदत होगी? हाँ, मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी माँ नहीं समझी, इस बटले से मेरी शादी करवा दी। कहाँ तो मैंने सोचा था कि अमिताभ बच्चन की तरह किसी आदमी से मेरी शादी होगी, इससे शादी करके मैं बर्बाद होगी। इस बटले से शादी करके इन बेवकूफ बच्चों की माँ बन गई मैं। मुझे भी पसंद नहीं था, अगर मैंने संगीता से शादी कर ली होती तो कम से कम ये नालायक बच्चे पैदा नहीं पैदा होते। शादी क्या होता तो अच्छा होता ना। अरे तुम्हारी शादी हो जाती तो ही ठीक था, कम से कम मुझे छुटकारा तो मिल जाता। मेरी संगीता उस सत्य के साथ नहीं भागती तो मुझे इस चुड़ैल से शादी नहीं करनी पड़ती। वो भागकर नसीब वाली बन गई, मेरी जिंदगी में एक कालू मिला। तुम काली हो, तुम बदसूरत हो, तुम गंदी हो, समझी? मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं करो। हाँ करूंगा, तेरी मेडिकल बिल मर मर के भर रहा हूँ मैं, समझे तुम? अरे एसी रूम चाहिए। चलो ए सारू, आज मेरे फ्रेंड की पार्टी है, दोनों को इनवाइट किया है, तुम्हें लेकर आऊंगा कहकर प्रॉमिस भी किया है, तुम्हें देखा है उसने। नाइस सिलेक्शन कहकर कॉम्प्लीमेंट भी दिया है उसने। ए कम ऑन यार, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड से कह देना, मेरे बारे में उसकी पत्नी के सामने तारीफ करने को कहो, तब पता चलेगा। ऐसे ही मजाक में कुछ कहा तो क्यों इतना सीरियस लेती हो? ओके सरू, मेरे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं, एक बार मेरे घर चलोगे क्या? अभी चलते हैं, वहीं से पार्टी में चले जाएंगे। इसी ड्रेस में आने को कहोगे? इस ड्रेस में? नो, मस्त मॉडर्न सा, क्लास सा लगना चाहिए। मेरे फादर के साथ बात करते समय बहुत डिसेंसी से बहुत संभल कर बात करनी होगी, डू यू अंडरस्टैंड? दूसरों की खातिर उनकी तरह रहना मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता है ना। तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। इट्स ओके, बाय। नमस्ते अंकल। बैठो। तुम मेरे बेटे की फ्रेंड सरस्वती हो ना? जी हाँ अंकल। मेरा बेटा हर वक्त तुम्हारा ही नाम लेता रहता है, क्या काम करती हो? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर का काम करती हूँ अंकल, यही एक फ्लैट लेके रह रही हूँ। ओह, फिर तुम्हारे माता पिता? नहीं अंकल, बचपन में ही वो चल बसे। ओह आई एम सॉरी, मतलब तुम यहाँ अकेले ही रहती हो? जी हाँ अंकल, बचपन से ही अकेले रहना आदत सी हो गई है। गुड, व्हाई डोंट यू कीप इट अप? उस आदत को कंटिन्यू करोगी तो अच्छा रहेगा, बिना मतलब मेरे बेटे को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, देखो मेरी बात को तुम समझ नहीं रही हो, तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, मेरा बेटा जवानी में है, तुम तो अकेले ही रहती हो, तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए तो ट्रैक्टर होना सहज बात है। तुम अकेले ही नहीं, इस शहर में रहने वाली सारी लड़कियों के लिए ये आम बात है। मेरा बेटा कितने नंबर का फ्रेंड है और तुम कितने अबॉर्शन करा चुकी हो? व्हाट? माँ बाप नहीं होने की वजह से मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे ठीक से समझ नहीं सके आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ रही हूँ। सब लोगों के रहते हुए भी आपकी बेटी मिनिस्टर के बेटे के साथ घूमकर दो बार अबॉर्शन करवा चुकी है, तीसरी बार जाके शादी की,
ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। बड़े पैसे वाले होने से बड़े नहीं हो जाते, तमीज से बात करना सीखिए। हे सरू, मेरे डैडी से ऐसे बात करोगी क्या? थोड़ा भी कॉमन सेंस है क्या तुम में? सॉरी रोहित। ओह शिट। सरू। ये लो, मीटर से ज्यादा ले रहे हो, साइकिल लाकर अंदर रखो। सुनो जी, चाबी आपके पास ही है ना? बबलू, लड़की पटी क्या? वैसे लड़की पटाना इतना आसान नहीं बच्चू। लड़की को पटाऊंगा क्या, गड्ढे में क्यों गिर गए यार? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस यार, आखिर तुम लाइन पर आई गए। लाइन पर आया नहीं यार, लाइन से आउट हो गया। वहाँ गिर के फिर से आ रहा है। ए, देख लेना, तेरे होश उड़ा देने वाली गर्लफ्रेंड को लाकर तुझसे मिलाऊंगा और तेरी साइकिल जीतूंगा। ए सरू, सरू, सरू प्लीज, अब मुझे जाना है, कल स्कूल में मिलते हैं। सरू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तेरे डैडी को मेरे बारे में क्या बताया तूने? अकेली रह रही है हाँ? इस्तेमाल करके भूल जाऊंगा कहा था, है ना? मेरी बात सुनो सरू। रोहित, तेरे डैडी जैसों के पास रहना मेरे जैसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे डैडी से तुम्हें क्या, तुम मुझसे बात करो। आई लव यू सरू। लव किसको चाहिए? प्यार के बहाने शादी करके तेरे डैडी के पास मुझे गालियां सुनवाओगे क्या? रोहित सॉरी, अनजाने में एक गलती हो गई, अब मैं जानबूझकर भविष्य में हर दिन नरक नहीं सह सकती। तेरे डैडी के बारे में तो पता चल गया, अब तुम क्या चाहते हो ये भी बता दो। पैसे वाले हो तो क्या, अच्छे लोग होंगे सोचा था, ऐसे चीप बिहेवियर करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली, पॉश रहने वाली लड़कियां खराब होती हैं, ये सोच है तुम्हारे डैडी की। तुम्हारे साथ मिलकर मैं जिंदगी नहीं बिता सकती। प्लीज रोहित चले जाओ। एक बार सोचो सरू, कैसे जियोगी अकेली शादी किए बिना? अकेली नहीं जी सकती, इसलिए शादी कर रहे हो, लेकिन सच्चे दिल से प्यार नहीं करते, इतने दिन कैसे जी रही थी? आज के बाद भी वैसे ही जीऊंगी। तुम्हारे इंटेंशन अगर पहले पता चल जाते तो कभी का कट कर देती। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। I say just get out from here. Okay, सरू, तुम बहुत डिस्टर्ब हो, मैं बाद में मिलता हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम बबलू है, सामने वाली विंग में रहता हूँ। क्या करते हो? साइकिल चलाता रहता हूँ, पसंद आई लड़की को आई लव यू कहता हूँ। आई लव यू कहते रहते हो? इडियट। तुम्हारा तरीका क्या है समझ में नहीं आता, सबको देते हो मुझे नहीं देते। मैं एक लड़की को पटा रहा हूँ, साइकिल पर जाऊंगा तो वो पटेगी नहीं, इसलिए बाइक चाहिए। क्या रे, तेरा थोबड़ा देखा है? तेरे थोबड़े के लिए एक लड़की चाहिए, तेरे लाइन मारने के लिए मेरी बाइक चाहिए क्या? छह, जमाना कितना खराब हो गया है, सिंगल पैक बॉडी वाले सब सिक्स पैक बॉडी वाले हो रहे हैं। मेहनत करके एट पैक बॉडी बनाए हो यार, किसके लिए? मुझे कोई पटी नहीं रही है और तू चला है पटाने के लिए। वेटिंग रे, 28 इयर्स टिल आई एम वेटिंग, मुझे कोई पटी नहीं रही है। तेरा हुलिया देखकर कोई भी लड़की पट सकती है क्या? सिक्स पैक एट पैक को लड़कियां नहीं पटती भैया, देखो मेरे जैसी पर्सनालिटी को ही पटती हैं। ए, चल हट, भाग यहाँ से। ए, पढ़ाई के समय सोते रहते हो, खाने के समय भी सोते रहते हो, कुंभकर्ण की औलाद। ए, रुक, फिर वापस क्यों आ गए? ए, इसे टिफिन नहीं दिया क्या? अरे ये खा के गया है। फिर वापस क्यों आ गए? कुछ भी नहीं डैडी, मेरी चड्डी समझ कर आपकी चड्डी पहन ली, बदलने आया हूँ। मैंने तेरा अंडरवियर पहना है। अरे इसे 10 अंडरवेयर दिलवा दो ना। दिलवाया था वो सब फाड़ करके सामने के फ्लैट में फेंकता रहता है ये, कितना दिलवाऊंगा इसको मैं? क्या है? कितना दिलवाऊंगा? इसलिए तो सामने वाले फ्लैट की औरत हमेशा आपको देखकर हंसती रहती है। उसे कोई काम नहीं है कौन अंडरवियर पहना है कौन लहंगा पहना है, यही देखना उसका काम है। तुम क्यों खड़े हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा? जाकर पहले अंडरवियर बदलो, जाओ जाओ। ए, चोरी छुपे देखना छोड़कर खाओ, एक लफा दूंगा। ए तुम डालो। डाल रही हूँ ना। क्यों बबलू बाबू, आज डैडी ऑफिस नहीं जा रहे क्या? नहीं,
क्या खटा स्कूटर है। इस बीच तेरा चाल चलन बहुत बिगड़ गया है। तुम उस सामने के फ्लैट में क्या कर रहे हो सब कुछ देख रही हूँ मैं। हाँ 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 मैं भी देख रहा हूँ ना। बेचारा तेरा पति कोयला लाने के लिए बाहर जाते ही वॉचमैन कालिया तेरे रूम में आता है। अरे मेरी बाप तेरे पैर पड़ती हूँ, ये बात किसी को मत बताना। ठीक है लेकिन पेट्रोल है क्या? घासलेट है। ठीक है वही दे दो। कालिया घासलेट ले आओ। अरे अरे अपना भाड़ा मत बोड़ भाई, कहाँ डालूं मैं? तेरे सर पे डाल के आग लगाऊं क्या? सर में नहीं टैंक में डाल। कहाँ से आ गए तुम? डालूंगा यार, डालने के लिए। अरे जल्दी करो, मेरे डैडी आ जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इस बैटरी को सब कुछ बता दिया क्या? हटो। हे भगवान मुझे बचा लो, क्या होगा अब? जाओ धक्का मारो। धक्का ये लो। होम वर्क करना है, सारा वर्क मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सभी लोग मिलकर मेरी जान ले रहे हो। मेरा स्कूटर कैसे बदल गया? अरे विश्वलक्ष्मी, अरे सुनो विश्वलक्ष्मी। अरे आ रही हूँ, ये लो सेल भूल गए। अरे मोबाइल की बात छोड़ो, यहाँ से मेरा कोई स्कूटर चुरा ले गया है भाई, क्या करूँ मैं? अरे, अरे अरे हमारी शादी पर दी है ये मेरे भाइयों ने। अभी तक भूली नहीं इस बात को तुम है? कैसे भूल सकती हो, इस फालतू बाइक के खातिर आपने सुहागरात एक महीने बाद बनाई। एक काम करो, सारी सोसाइटी को बुला लेता हूँ, उनके सामने बता देना ये सब। अरे अब बस भी करोगी तुम? सुहागरात एक महीना देरी से हुई, कैसे हुई मेम साहब? ऐसे नहीं, तुम्हें कुर्सी पे बिठा कर आराम से बताएगी सब कुछ ये तुम्हें। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, सुहागरात के रूम में सर में फूल लगा कर मैं बैठी थी, हाथ में दूध का ग्लास लेकर मैं इनका इंतजार कर रही थी, और इंतजार करते हुए अरे अब फ्लैशबैक छोड़ो, हकीकत में वापस आओ और पहले देखो कि स्कूटर कौन उठा कर ले गया। स्कूटर क्या? हाँ वो तो आपका बबलू लेकर गया है। बबलू लेकर गया? कैसे वॉचमैन हो तुम? कोई स्कूटर लेकर के जा रहा और तुम चुपचाप खड़े होकर के देखते रहते हो? भागो यहाँ से, आने दो उसे घर पे, बताता हूँ उसको मैं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर दीनानाथ है, सभी मुझे प्यार से बबलू कहते हैं। ये क्या है, 1970 की स्कूटर लेकर तुम सड़क पर चक्कर लगा रहे हो? हाँ ये आपको कैसे पता चला सर? मेरी शादी के समय मेरे ससुर जी ने भी ऐसी स्कूटर मुझे दहेज में लेकर दी थी। इसका मतलब अभी मैं डैडी की तरह। ए हंसना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। RC बुक ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? नहीं है सर। नहीं है क्या रे? ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सड़क पर तुम शान से घूम रहे हो? ए, असल में तुम करते क्या हो? ड्रेस दिखाई नहीं दे रही है क्या? फिर आप ट्रैफिक पुलिस कैसे बन गए? ए, बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। कुछ भी नहीं, साइकिल चला रहा था। हाँ। वो टूटकर दो टुकड़े हो गई। हाँ। अब पापा की स्कूटर मिल गई है। हाँ। इसको चलाते हुए अगर कोई लड़की मिली तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। लड़की? गर्लफ्रेंड? तुम्हें साले इतना सा है और तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? तेरी उम्र ही कितनी है? बहुत उड़ रहा है तू बच्चू। ये क्या है? गुलाब का फूल है सर। गुलाबी फूल और तुम्हारे पास? ए लगता है तू बहुत चालू लड़का है। जेब में कितने हैं? चल निकाल जल्दी। जितना चाहिए उतना ले लीजिए, अभी सारे पैसों से घासलेट डलवा चुका हूँ। घासलेट भरवाया है? ये क्या है, कचरे की कूड़े की तरह तूने चिल्लर जमा करके रखे है? सर मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया था, मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया, मेरे पापा ने मुझे दिया है। ये रख लीजिए सर, फिर मिलेंगे, बाय। अरे अगली बार तुम मुझसे नहीं बचेगा बेटा। अभी तक वो लड़की क्यों नहीं आई? टाइम तो हो गया है। क्या हुआ? पंचर हुआ मैडम। ओह आ गई, मिल गई। और कितना टाइम लगेगा? क्या करूं? अरे ये क्या हुआ, ये सब तूने ही किया ना? ए, मुझे पता था लड़के तुम जरूर कुछ ऐसा करोगे, मुझे पहले से तुम पर शक था। तुम्हें मैं सर आपसे बिल्कुल सच कहूंगा। मैंने एक लड़की को देखा है। उस लड़की को स्कूटर पर बिठाना है। इसलिए किले रोड पे डाल दी। कैसा लगा मेरा आइडिया सर, आपको पसंद आया ना? ए, तेरी जात का बैदा मारू, इतने लोगों का समय बर्बाद किया और ऊपर से उससे पूछो कि आइडिया कैसा लगा सर। एक्सक्यूज मी, ये स्कूटर आप में से किसका है? इनका नहीं। थोड़ा मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर दोगे क्या? सर ऐसा कभी कभी चांस मिलता है, मैडम को उनके ऑफिस तक ड्रॉप करके आता हूं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अरे अरे रुक, आएगा वो। टेंशन मत लो। डर्टी फेलो।
पता नहीं किस मुहूर्त में पैदा किया था उसे। मुझे क्या सुना रहे हो, मेरे लाख समझाने के बाद भी आपके बाप ने हमारी सुहागरात बंद कर दी थी। सुनो, मेरे बाप के बारे में एक भी शब्द का तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे बाप के बारे में ना बोलूं तो अपने बाप के बारे में बोलूं? असल में तेरे बिगड़ने की वजह से बिगड़ गया है वो। वजह से नहीं, आपकी वजह से बिगड़ा है। हां, आपकी वजह से बिगड़ा है। हां, बिगाड़ दिया उसे। बिगाड़ा आपने है। मैंने कब बिगाड़ा है? हमेशा झगड़ा करते रहते हो जब भी देखो। हां, और नहीं तो क्या करते हो? डैडी, बिल्कुल गलत। किसी और को पापा कहकर मत बुलाओ। किसके बेटे हो तुम, बोलो? मम्मी। हाँ, ये तो अपनी बबलू जैसी आवाज है। हा? क्या हो गया तुझे बेटा? ये देखो, इस खटारा के बाद सब कुछ। ए, एक तो बिना बताए स्कूटर ले गए, ऊपर से लात मार रहे हो तुम इसे। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, बेल्ट निकाल कर मारूंगा तुझे मैं। रुक रुक, बताता हूँ मैं। तू अपने बाप को लाख गालियां दे, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन गाड़ी को कुछ कहा तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हाँ, इसके लिए मेरे बाप ने कितना दुख उठाया। अरे शुरू कर दिया महाभारत। रुको, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? बोलो, कैसे जाऊंगा ऑफिस में? इसकी शक्ल देखो, क्या हालत बना रखी है। अभी कल ही 10,000 रुपए हॉस्पिटल में खर्च किया है। अभी स्कूटर बनवाने के लिए 10,000 रुपए और कहाँ से लाऊं मैं? मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे ऑफिस जाना है, कैसे जाऊंगा मैं? इसके लिए इतना सोचते क्यों? ऑटो में जाओगे तो पहुँच जाओगे ना। क्या बोला? ऑटो में जाऊंगा मैं। ऑटो में जाऊंगा। तू देगा, तू देगा मुझे पैसा? बेवजह का आईडिया देता है। जाने भी दीजिए, आपका माल तो नहीं है ना, मेरे मायके का माल है। वेरी गुड मॉम, ऐसे डरा कर रखो। तुम्हारा सपोर्ट पाकर वो अपनी मनमानी कर रहा है। जाकर उससे पूछो कि स्कूल छोड़कर क्यों आया वो। अरे रुकिए, मैं पूछती हूँ। बाबू मास्टर दीनानाथ कहाँ हो बेटा? लवर के खातिर मॉम। अरे हम साउथ इंडियन ब्राह्मण है और तू लड़की की बात करता है, है? अरे तुझे चप्पल से मारूंगा, बदमाश कहीं का। बारा बारा। ये क्या डैड, अपनी शारदा आंटी की लड़की की कितनी उम्र थी? 14 साल ही ना। 14 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर गई थी ना। ए, तू पहले अंदर से बाहर निकल। बाहर तुझे बताता हूँ कि प्यार क्या होता है, समझा तू? डैड आप ज्यादा बोल रहे हो। सरोज आंटी के बारे में मम्मी को बता दूं क्या? सरोज कौन है? कौन है ये सरोज? तो मुझे क्या पता? बोलो कौन है ये सरोज? अरे वो ऐसे ही बकवास कर रहा है। सुनो, तुम बताओ कौन है? अरे मेरी शक्ल पे लड़की बनेगी? तुम उसकी बात पे विश्वास मत करो, समझी? मुझे सब कुछ पता था। मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ। अन्याय कर रहे हो तुम मेरे साथ। क्या रे बबलू, बाइक में बैठ के घुमा रहा है, साइकिल से बाइक तक। हाँ, इसमें इतना दम नहीं यार। बाइक में घुमाने से गर्लफ्रेंड बन जाती है क्या? ए, अब मैं उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर तुम सबसे मिलवाऊंगा। उसे देखकर आंसू बहा लेना। स्टाइल मत मार, कहीं तुम मार खा के ना आ जाए। What do you think of yourself? Software बनाने चले हो क्या? Software क्या है तुम्हें पता है क्या? इतना easy समझ रहे हो क्या? It's not a test play, समझे क्या तुम लोग? कुछ commitment है क्या? कुछ नयापन है क्या? तुम लोगों को कुछ नहीं आता, जाओ यहाँ से। ऐसे पागलों की तरह क्या देख रही हो तुम लोग? रात को ठीक से नींद नहीं आई थी क्या? आपको कैसे पता चला सर? इसमें पता लगने वाली क्या बात है? तुम लोगों ने घर में अच्छे से एंजॉय किया होगा अपने हस्बैंड के साथ। घर में क्या एंजॉयमेंट मिलेगी सर, हर दिन तो एक ही चीज मिलता है। अगर वो पब में जाएंगे तो अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पति पुराना हो गया ऐसा हर लड़कियां सोचती रहती हैं। यस सर, यू करेक्ट। यस आई एम ऑलवेज करेक्ट। जाओ यहाँ से, जाकर ऑफिस में काम करना, सोना नहीं। इनकी सैलरी ज्यादा हो गई है, कम करना होगा। बेचारे इनके पति इनके साथ कैसे जीवन बिता रहे हैं पता नहीं, वो और फेलोस। अभी जाओ, सरू आएगी तो मिलने को कहना। ओके सर। बॉस हमेशा सरू सरू कहकर याद करते हैं। सरू के अलावा हम नहीं चलेंगे क्या? ये सरू, बॉस ने तुझे याद किया यार, लगता है कोई काम है, अर्जेंटली जाके उससे मिल ले। ओके यार, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सरू। तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की की ही मुझे जरूरत है। एक्चुअली मुझे मुंबई में एक, चेन्नई में एक और महाबलेश्वर में दो बंगलोज हैं। कहीं भी कोई भी नहीं रहता। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? मेरी प्रॉपर्टी को बचाने वाली लड़की तुम ही अकेली हो इसीलिए। हाँ सरू, आज तुम्हें मैं इस कंपनी में इंचार्ज का प्रमोशन दे रहा हूँ। शाम को डिनर पर आ रहा हूँ, क्या खिलाओगे मुझे? मुझे खाना बनाना नहीं आता सर। हाँ तो मैं ही लेकर आऊँ क्या? मेरी पत्नी मुझसे ही बनवाती थी। आपके खातिर मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। मुझे बिरयानी बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ ओके ओके, ठीक है सर। सरू, उसमें ताजा लहसुन, ताजा नींबू होना चाहिए, ये भूलना नहीं। ठीक है सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? गो टू योर प्लेसेज एंड डू योर वर्क, डोंट वेस्ट टाइम। हेलो
हेलो अरे 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 कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में जा रहा है क्या? अरे जाकर ठीक से कपड़े पहन कर आ, जा जा जल्दी। क्या आपकी चड्डी? छी 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 छी। सुनो जी, हमेशा अपने लिए खरीद कर लाते हो, कभी इसके लिए खरीद कर लाए हो क्या? अरे कितने खरीद कर दिला चुका हूँ, अरे पूछो इससे तुम। अरे ए, तुमने मेरे सेल फोन पर ऐसा रिंगटोन क्यों लगाया? दे दो डैडी के पिल्ले। नहीं नहीं डैडी, दे दो दे दो डैडी। हेलो हेलो बबलू, हेलो 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 हेलो। हाँ बबलू बोल रहा हूँ, कौन? मैं हूँ सरू। सरू बोले तो स्कूटर में बैठकर काली होकर आईना। ओ आप हैं, बोलो। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं लंगोट पहनकर बाथरूम में नहा रहा हूँ। लंगोट क्या है? ये गांव का पहनावा है, अब शहर का पहनकर आता हूँ। जल्दी आना, शॉपिंग करने चलते हैं। आओगे ना? मैं शहर में नहीं हूँ। ओ यस आता हूँ, मैं दिखाता हूँ। कुछ भी करके सरू को इम्प्रेस करना होगा। चर्च गेट, एलिफेंटा, जूहू चौपाटी, बुद्ध की प्रतिमा, सब कुछ दिखाना होगा। सरू वेलकम। बबलू कैसे जाएंगे? ऑटो में चलें क्या? जी ऑटो में क्यों जाएंगे, तुम्हारी खातिर मैंने नई बाइक खरीदी है। इतना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली ऐसा हुआ कि तुम कुछ भी कहते रहते हो, इतना टाइम नहीं है। तेरी बाइक कहाँ है? तुमसे एक बात कहूँ, ध्यान से सुनना। कहो। ऐसे जाएंगे तो देखने वाले कुछ अलग ही समझेंगे सरू। फिर क्या करूँ? मेरी एक बात मानोगी? दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ, आराम से जाएंगे। ओके। सरू आओ। बबलू तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। हाँ। क्यों बस, लव का प्रॉब्लम है क्या? अरे यार मेरी लव की बात छोड़, तेरी लवर को घुमाने के लिए मेरी बाइक मिली थी क्या? है मेरी लवर ने मुझे फोन करके बहुत सुनाया यार, तू भी यार उल्टा सीधा काम करता है। देखो सरू, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है। मेरी शादी होकर 35 साल बीत चुके हैं। शादी होने के 5 सालों के बाद ही मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो गई। मुझे कंपनी के बिजनेस के अलावा दूसरी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तब से मैंने किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है, लेकिन मेरी कंपनी में जब से तुम आई हो और मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारी बातचीत, ये सब मुझे बहुत ही पसंद है। दैट्स वाई पहली बार मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी क्या? अगर तुम्हें पसंद हो तभी, अदरवाइज फॉरगेट इट। इससे अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप का कोई संबंध नहीं है। मेरा कोई भी वारिस नहीं है, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। मेरी इन बातों से अगर तुम्हें तकलीफ हुई है तो मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम्हारा जो भी जवाब हो मुझे जल्दी बता देना। कितनी जायदाद है सर आपकी? बिजनेस और घर को मिलाकर 20 करोड़ का होगा। थैंक यू सर। किस लिए? आपने अपने दम पर 50 रुपए से लेकर 20 करोड़ तक कमाए। सर मेरे बारे में मैं किसी को नहीं बताती, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता रही हूँ। बचपन से ही मैंने हमेशा देखा है हर एक आदमी औरत को अपने स्वार्थ के खातिर इस्तेमाल करता है, बट मुझे बिना स्वार्थ का प्यार चाहिए। मुझे पहले बेचने वाला मेरा बाप था। सुनो एमएलए चौधरी जी को तुम बहुत ही पसंद आई हो, मेरी बात सुनकर एक बार मान जाओ ना, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा जानू। 5 मिनट आके बंद कर लो ना, काम हो जाएगा। जो कहा वो कर, नहीं तो मार डालूंगा। मेरा प्रमोशन तो हो जाएगा ना? बहुत मेहनत करनी पड़ी यार मेरा प्रमोशन। ये लड़की तेरी बेटी है क्या? भविष्य में काम आएगी, अभी से लाइन में लगा कर रखो। कुछ दिन के बाद मेरी माँ गुजर गई। बाप के चंगुल से बचकर मैं इस शहर में आ गई। मेरे बचपन की बात मैं किसी को नहीं बताती, क्योंकि सभी लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के लिए
कोई नहीं आएगा। ऐसे में भी अभी लड़का गया है ना, छोटा बच्चा बबलू, उसके साथ मैं कितनी फ्रेंडली रहती हूँ पता है आपको? उसे कुछ भी नहीं पता, मुझे अपने आप पसंद करता है। एनी हाउ आपकी पसंद को ठुकरा है इसलिए सॉरी सर, आपके दिल को दुख पहुंचाया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी सरू, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे भीतर एक नई लड़की को देखा है। तुम्हारे इंडिविजुअलिटी पर रहा मेरा गौरव और भी बढ़ गया है। अब इस मीटिंग के बारे में भूल जाओ, हमेशा की तरह मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी फेवरेट एम्प्लॉय हो, बस। हैप्पी वैलेंटाइन डे सुरू। बबलू तुम भी। बबलू तुम एक डेयरिंग बॉय ही नहीं हो, एक डेंजरस बॉय भी हो। सरू लाइट आ गई। हाँ सरू, अब मैं चलता हूँ, बाय बबलू। बाय सर। बाय। वो क्या कह रहा था सरू, बूढ़ा खुशट कहीं का? उसे अपनी उम्र वाली ढूंढनी चाहिए ना। तुमसे पूछता है शादी करोगी? तुम्हारा बॉस था इसलिए छोड़ दिया, कोई दूसरा होता तो क्या करता मुझे भी नहीं पता। और वैसे भी ये उसकी उम्र है शादी करने की? वो और उसकी सूरत, इतना बड़ा पेट लेकर शादी रचाएगा इडियट। ए बबलू क्यों इतना गुस्सा होते हो, क्या बात है? सरू कोई तुमसे ऐसे बात करेगा तो मैं सह नहीं कर पाऊंगा। सरू ए कूल कूल, अकेली जी रही हूँ, मुझ जैसी लड़की के लिए ये सब कुछ बहुत आम बात है। बबलू डोंट वरी, ये बबलू तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई डर की बात नहीं। बबलू कुछ देर पहले तुम कुछ कहना चाहते थे ना? तुमको फील तो नहीं होगा ना? कहो बबलू, फील नहीं करूंगी। कुछ खास नहीं, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना होगा, तुम ऐसा करोगी ना प्लीज? किस लिए? कल एनुअल डे फंक्शन है, मेरे सभी क्लासमेट अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे, मेरी कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। क्यों क्यों, तेरी क्लासमेट्स लड़कियां नहीं है क्या? बहुत हैं, लेकिन दोस्ती करने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं देखने में खूबसूरत नहीं हूँ ना इसीलिए। ए शिशी, किसने कहा तुम खूबसूरत नहीं हो? कहकर दांत निकाल कर चश्मा निकाल देंगे तो, हेयर स्टाइल चेंज कर देंगे तो बिल्कुल आमिर खान लगने लगोगे। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान, ये सभी लोग मेरी कॉपी करना चाहेंगे, लेकिन मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता, मेरा स्टाइल मेरा है। ओके 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 ओके। हाँ तो मेरे साथ चलोगी? हाँ चलूंगी तेरी खातिर। थैंक यू सरू, फिर मिलेंगे। अरे वाह साइकिल पक्की है। सरू मेरे साथ पार्टी में आएगी। अबे पागल नींद आ रही है क्या, जाकर सो जा। अरे जा रहा हूँ ना। बबलू सुनो। क्या है मैडम? तुम्हें एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं पता है? आप बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? बकवास बंद करो, तुम्हें मिला है एक बड़ा सा जीरो। सोचा था वो भी नहीं मिलेगा, जीरो के लिए थैंक्स मैडम। पढ़ाई में ध्यान दो समझे बेवकूफ। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी ही शुरू होने वाले एनुअल फंक्शन में जो जो पार्टिसिपेट करने वाला हो वो अपना अपना नाम लिखा दे। मैडम मैं अपनी फ्रेंड के साथ शो कर सकता हूँ? ओके मैडम मैं भी शो करूंगा। मैं भी मेरी फ्रेंड के साथ हिस्सा ले सकता हूँ? इट्स ओके यू कैन पार्टिसिपेट। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। हे चिंटू, मेरी गर्लफ्रेंड नाम है सरू, फिर कभी मुझसे शर्त मत लगाना, तुम हार जाओगे। कल से तुम्हारी साइकिल मेरी हुई। बबलू को तुमने समझ क्या रखा है, चश्मा दांत बाल एड़े की तरह रहता है, इससे कौन पटेगी? हाँ देख लिया ना शर्त लगाने का नतीजा, दिल बड़ा होना चाहिए। चलो सरू। कौन है यार? मेरी गर्लफ्रेंड है। चुप रहो, सब लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? ऐसा नहीं है सरू, ये सभी लोग हम दोनों को देखकर जल रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की बबलू को कैसे मिली ये सोच रहे हैं। घर जाने के बाद नमक से नजर उतार लेना, पूरी नजर उतर जाएगी, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने चिंटू अपने फ्रेंड के साथ नाटक का प्रदर्शन करेगा। ओके ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यार।
मैं जब भी अकेला आता हूँ तो ऐसा ही करता रहता हूँ। अपनी खुशियों को खुद बनाना पड़ता है सरू। ए, लाइफ में खुशी से रहना बहुत जरूरी है। उसे जिंदगी भर पाना है तो पहले तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। इतना सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे तो एक ही बात पता है, वो मेरे पसंद की हुई तो इमीडिएटली लव करता हूँ ऐसा बोल दूंगा, मान गई तो शादी कर लूंगा। नहीं मानी तो उसका नसीब। किसी भी अरे गहरे से शादी करके उसे अपनी जिंदगी बितानी पड़ सकती है। हाँ? पहले तेरा गेटअप बदलना होगा, तेरी आदतें बदलनी होगी। समझ गया, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कल से डब्बू बबलू बॉबी बन जाएगा। बाय सरू। बाय बाय बबलू। ए गोरी, कैसा लग रहा हूँ? कौन हो तुम? मैं हूँ गोरी, बबलू। ओ बबलू, तुम हो? तुम्हारी साइकिल में बैठ जाऊँ मैं? तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ऑलरेडी एंगेज है। ए जाना। सरू, मैं हूँ। बबलू, तुम? माइंड ब्लोइंग यार। तुम्हीं ने तो कहा था हेयर स्टाइल, दांत, स्पेक्स बदलूंगा तो आमिर खान की तरह दिखूंगा, इसलिए गेटअप चेंज किया। अब लड़कियां पटेंगी ना? बबलू, आमिर खान तेरे सामने कुछ नहीं है। आज थोड़ा घूमने जाना है, मेरे साथ आओ ना। ठीक है बबलू, बॉस से परमिशन लेकर अभी आती हूँ, वेट कर। सरू, तुम्हें एक बात पता है? कौन सी बात? आज किसका बर्थडे बताओ? किसका? अमिताभ बच्चन का? नहीं। ऐश्वर्या राय? फिर किसका है? सोचो। हाँ, अपने घर के सामने वो रहती है जो पप्पी, उसका बर्थडे है आज, है ना? तुम बोर कर रही हो सरू, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। आज बबलू का बर्थडे है। Now I remember यार। Anyway, happy birthday, बबलू, happy birthday। बबलू, क्या हुआ तुम्हें? जरूर, साइकिल तुम लेकर जाओ, इन हरामियों को मैं सबक सिखाऊंगा। बबलू, छोड़ दो उसे। तुम जाकर रेस्टोरेंट में बैठो। Just leave it, बबलू। ये बबलू, रुको। अभी भागता क्या? रुक। अभी बताता हूँ। रुक तो। आजा बंदा, आजा आजा आजा। ए रुक, आता हूँ। आजा आजा लॉलीपॉप, आजा। अरे उस लॉलीपॉप को पकड़ो यार। अपने को पैसे वाला समझते थे, मार डालूंगा। बबलू, क्या हुआ? कूल। तुम्हें पता नहीं सरू, जाकर क्या किया तुमने? उनकी दुकान का कांच फोड़ डाला। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें कोई कुछ कहे तो मैं सह नहीं सकूंगा। वो लोग तुम्हें कुछ करेंगे तो? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सरू। बबलू, इस सिटी में ये सब आम बात है, इसे सीरियसली मत लो। हाँ तो एक काम करो, जाकर तुम उनकी बातें सुनो, तुम्हारे होश उड़ जाते। उस समय आमिर खान भी ऐसा ही करता। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है बबलू, पहले केक कट करो। केक बाद में काटेंगे, पहले तुमसे एक बात कहनी है, तुम कुछ फील मत करना। हे बबलू, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, इसमें फील करने जैसा क्या होगा? जोक नहीं कर रहा, सीरियस। मुझे तुम कुछ कहोगे तो नहीं? क्यों ऐसा सोच रहे हो? मुझे तेरे अलावा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम ही हो ना। वो तो ए बबलू, तुम दिल में कुछ भी छुपाए बिना सब कुछ बता देते हो ना, बताओ सब कुछ बताओ। सरू वो बोलो बबलू, कहो। I love you. बबलू।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। What? I love you. तुमसे शादी करूँगा। Are you serious? Yes, I am serious. फिर कभी ऐसा कहा तो मैं क्या करूंगी मुझे ही पता नहीं। Get out from here. सरू। सरू तुमसे ही कह रहा हूँ, मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। तुमने तो कहा था बोलो, इसीलिए मैंने तुमसे कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मेरी उम्र कम है तो क्या हुआ, सचिन की नहीं थी क्या, अभिषेक की नहीं थी क्या? तुम समझदार हो, मेरी बात को समझो प्लीज। ए रोको, क्यों हो रहे बबलू, तुम ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ, एसपी साहब बुला रहे हैं, चलो। हवलदार। यस सर। जल्दी से यह सारा ढेर यहाँ से साफ कर दो। करवा दिया सर। ए तेरा नाम क्या है? बबलू। क्या किया इस लड़के ने? दुकान का आईना तोड़ डाला है सर। तूने आईना क्यों फोड़ा? मेरी लवर के खातिर। हाँ लवर? अब तक मेरी जिंदगी में कोई लवर नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो गई? इसमें मेरी गलती नहीं है सर, दिल पर हाथ रख के कहूंगा तो भी समझ नहीं आएगा आपको, उसे प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा। ओह माय गॉड, तेरी उम्र कितनी है? गलत है सर, बच्चों की उम्र और बड़ों की पगार नहीं पूछनी चाहिए। ए हवलदार, ये कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है, इसे जाकर एक बढ़िया सी आइसक्रीम खिला दे। चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, चल कपड़े निकाल। ए बबलू तुम्हें डांस करना आता है क्या? स्कूल में फर्स्ट आता हूँ सर। ठीक है तो फिर बढ़िया सा एक डांस दिखा। सॉरी सर, हीरोइन के बगैर मूड नहीं बनेगा। तो फिर सोलो सॉन्ग पर एक नाच दिखा। शर्मा मत बेटा, मुझसे नहीं होगा सर। ए बबलो ठीक है तो फिर बढ़िया सा एक डांस दिखा। सर वो बबलू मेरा बेटा है सर, उसने अनजाने में कुछ कर दिया होगा सर, दया करके उसे माफ कीजिए और जाने दीजिए सर। ओ वो आपका बेटा है क्या? जी हाँ सर। ए हवलदार सर, जरा उसे बाहर तो ले आओ। ए बाहर निकल, आपका बेटा बहुत ज्यादा ही बोलता है। ए बबलो फिर कभी ऐसा काम करेगा ना तो तेरी चमड़ी उधर दूंगा। इसके बालों की स्टाइल देखो, ये सिर्फ तेरी वजह से बिगड़ा है, लेकर जाओ इसे। आओ बेटा जाओ। धन्यवाद सर। डियर स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ये हमें भगवान का दिया हुआ प्यारा सा वरदान है। बचपन का मतलब जब हमें दुनियादारी की फिक्र नहीं थी। उन दिनों को सोचकर आप कैसा फील करते हैं, एक पेज में लिखकर बताइए। डियर स्टूडेंट, चाइल्डहुड यानी बचपन हमें भगवान का दिया हुआ प्यारा सा वरदान है। ओके देन स्टार्ट। फ्रॉक्स निकर के दिन याद हैं सरू, मैंने अपने बचपन में फ्रॉक्स पहनी हुई लड़कियों को देखा है। सरू तुम फ्रॉक से ज्यादा साड़ी में अच्छी लग रही हो, जन्नत की परी की तरह प्यारी लग रही हो, बादाम की तरह फ्रेश लग रही हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सरू। एक बार मेरा एक फ्रेंड सेविंग करके आया था, क्यों किया पूछा तो दाढ़ी मूछ जितनी जल्दी आएंगी उतनी ही जल्दी लड़कियों पे लाइन मार सकते हैं बोला। मैंने तुरंत मेरे पापा की सेविंग सेट लेकर उससे दाढ़ी बनाने गया, जैसे ही पापा को पता चला उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, रोज तुम्हारे लिए फूल लाऊंगा, हमें लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो जो तुम्हें नाम पसंद है वही रखेंगे, तुम्हें जैसा घर चाहिए वैसा ही घर बनाऊंगा, उसमें अपना बेडरूम अच्छे से सजाऊंगा सरू। गर्मियों में हॉलीडे पर चलेंगे, वही फैसला करेंगे, दो बच्चे चाहिए तो दो, दस बच्चे चाहिए तो दस। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए सरू? कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। हाँ तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ना, सच्चा प्यार किया है मैंने तुमसे सरू, कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकता। Really, I love you, Saru. Saru, please, Saru, मुझे समझो Saru. Really, I love you, Saru. Please, Saru, मेरी बात सुनो Saru. Please, Saru.
बात करो सरू, सिंसियरली लव करता हूँ सरू, प्लीज सरू। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमसे बहुत प्यार। गणपति जी, जब भी मैं मंदिर में आता हूँ, मेरे पापा का पर्स चुरा कर 20 रुपए खर्च करके नारियल फोड़ कर तुम्हारी पूजा करता हूँ ना, किस लिए? सरू से प्यार करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, फिर अब क्यों सारी कहानी उल्टी घुमा दी? बबलू, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए कह रहा हूँ। तुम जैसे मुझसे मांग रहे हो, लड़की भी तुम्हारी तरह आकर उस बबलू प्यार नहीं मिलना चाहिए कहकर मुझसे मांग रही है बबलू। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, पहला चांस उस लड़की को देना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं तो क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और वैसे मैं लड़कों के मुंह नहीं लगता। ऐसा क्या, तुम तो कुंवारे हो ना, तुम्हें कैसे पता? किसी से प्यार किया तो पता चलेगा ना, तुम्हारे पास आना बेकार है। अरे इज्जत से बात करो यार, अभी एक राक्षस से टकरा कर एक दांत तोड़वा चुके हो, सिर्फ अभी एक है, उसे तो रहने दो यार। भगवान हो ना, हेल्प करोगे सोचा था, तुम्हारा इतना ज्यादा पावर नहीं है पता चल गया। कल से तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने दूंगा, बाहर गेट पर ऐसे हाथ फैलाकर खड़ा रहूंगा। गुस्सा थूक दो बेटा, बाजू में बहुत सारे भगवान हैं, तेरा प्रॉब्लम उन्हें बताकर देखो, तेरे बारे में हम सभी मिलकर एक मीटिंग अरेंज करके डिसाइड करेंगे। जो भी हो जल्दी करो स्वामी। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको दो पत्नियाँ जरूरी है? दोनों कहाँ है यार, अली वेलू मंगा मंगपुर में है, बीवी नानचारी तिरुपति में बैठी है, और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले सरू नाम की लड़की से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे दिल को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए आई लव यू कहा, तो उसने गाल पर मार दिया हाथ से। यही है क्या मेरे जैसे सच्चे प्रेमी के लिए इंसाफ? अरे बद दिमाग मास्टर दीनानाथ बबलू, लव और लॉलीपॉप का फर्क तुम्हें पता नहीं है। ये क्या स्वामी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहे हो? हाँ, हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग सभी लोग मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बात करता हूँ, मैं अपनी असली भाषा भूल चुका हूँ, मुझे वक्त दो। क्या, और थोड़े दिन रुकना होगा? मैं कोई हलवा हूँ क्या? अभी से काम पे नहीं लगोगे तो वो लड़की भाग जाएगी। आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, लड़कियां कम है लड़के ज्यादा, एक पे 3 का रेशियो चल रहा है, यानी 3 लड़कों पे 1 लड़की, इसलिए पहले से सोचकर उसे बुक किया है। आप क्या करोगे पता नहीं, तो अब उस सरू से मिलाने की जिम्मेदारी आपकी, नहीं तो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा। ये क्या बबलू, इतनी बड़ी बात कर रहे हो, जरा मुझे वक्त दो, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सभी भगवानों को बुलाता हूँ, तुम्हारे बारे में डिस्कस करता हूँ, इसलिए एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारा काम ना हो तुम उस लड़की से दूर रहना। क्या स्वामी ऐसे कह रहे हो, छीछी तिरुपति होकर ऐसी बात कर रहे हो? करके फिर कभी यहां मत आना। ओके सरू, बाय। यहां क्यों आए तुम, मत आना कहा था ना? तुम्हारी याद आ रही थी सरू, तुमसे बात नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता है, सच में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें गुस्सा आया तो मुझे मारो, अभी उसे गाली दी ना, मुझे भी ऐसे गाली दो, लेकिन यहाँ से चले जाओ, ऐसा बिल्कुल मत कहना प्लीज सरू, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा, प्लीज सरू मुझसे बात करो सरू। छीछी उठो बबलू, उस बास्टर्ड से बरोबरी कैसी तुम्हारी, तुमने तो अनजाने में कह दिया था। लड़का फिर यहाँ आ रहा है, रोज एक लड़की के नाम से अर्चना करवाता है, आज किस लड़की के नाम से अर्चना करवाएगा? पंडित जी, हाँ बोलो, किसकी अर्चना करनी है? आपकी बेटी के नाम पर तो नहीं, जितना कहा वो करो। यहाँ आने वाले सारे भक्तों को मैं समझाता हूँ, और तुम आज के बच्चे मुझे समझाने आए हो, बोलो। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अग्रहार अनंत लक्ष्मी फूलिहार को घुमाना, माइक लेकर सबको बता दूं क्या? अरे 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 बदमाश, बता तो सही, करना क्या है बताएगा तभी करूंगा ना। अभी सरस्वती नाम की लड़की आएगी, ये लेटर इस थाली में रखकर उस लड़की को दे दो। अरे बदमाश, पंडित के हाथों से ऐसे अपराध के कार्य कराता है, तेरे पिंडदान करके कुत्तों को खिलाऊं? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, पंडित हो पंडित की तरह रहो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तू यहाँ से जल्दी से जा रहे सनीचर, कोई सुन लेगा तो मेरी इज्जत जाएगी। वहाँ देखो वो रोज कलर का ड्रेस पहनकर आ रही है ना, वही है लड़की सरस्वती। तुम शुरू हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। करना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं।
गणपति बप्पा, इस बबलू से मुझे बचाओ। वो अच्छे से पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक में पास हो स्वामी, काम धाम छोड़कर प्यार प्यार कहकर मेरे पीछे पड़ गया है वो तो। अब कोई फायदा नहीं, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दे दिया है, मुझसे वादा भी कर चुके हैं। कैसे भी करके हमें मिलाएंगे। देखो यार, एक बेचारी अकेली लड़कियों को क्यों रुला रहे हो? कुंवारे रह जाओ मेरी तरह, नहीं तो सन्यासी बनकर हिमालय पर चले जाओ। क्या मैं कुंवारा रह जाऊं, सन्यासी बनकर तुम्हारी चौखट पर बैठ जाऊं? ये आपका समय नहीं है स्वामी, ये हमारा समय है। तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपसे बड़े से बात करता हूँ। ऐसा लड़का है स्वामी, अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। इस लड़के को अच्छी बुद्धि दो, मैं तिरुपति आकर टकली हो जाऊंगी। यहाँ भी ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है, टकली होने से, अंक प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं। ए, इस लड़की को भूल जा यार, जाकर किसी दूसरी लड़की को पटा, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। हेलो, क्या कहा आपने? दूसरी लड़की को ट्राई कर लूं? मैं कोई हलवा हूं क्या? एक लड़की को पटाने के लिए इतने महीने लग गए, ऐसे ही छोड़ता चला जाऊंगा तो कुंवारा रह जाऊंगा। मेरी बात मान, इस लड़की को भूलने में तेरी भलाई है। क्या भूल जाऊं? तिरुपति का लड्डू हूं क्या? तुम पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, ये तुम्हें अभी पता चला? वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। गोत्र? कश्यप। सरस्वती नाम धेश्य काश्यप गोत्र भवश्यमानं भवति सतायुः पुरुषः शतेन्द्रायुः। प्लीज सरू मेरे दिल को समझो, हाँ? मेरे दिल में जो है मैंने वही लिखा है। तुम्हें देखे बिना, बात किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, हाँ? दया करके मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज, आई लव यू। अरे बबलू, तुम सच में पागल हो गए हो? हाँ, क्या करूं बताओ, उस कुएं में जाकर कूद जाऊं, अंक प्रदर्शन करूं क्या? नहीं तो कान में फूल लगाकर सारा शहर घूम के आऊं, क्या करूं बताओ तुम? ओके बबलू, अभी टाइम वेस्ट मत करो, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को अपने प्यार के बारे में बता कर आओ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। यस, रुको एक मिनट। उससे मैं अनाप शनाप कह दिया, सॉरी, दिल पर मत लेना, मेरे जैसा ना समझ कुछ भी कह देता है, बुरा मत मानना। पहले डांट रहे हो, अब दिल पर मत तो कह रहे हो, तुम कैसे पक हो यार? सॉरी गणपति जी, बाय। स्वामी आप बड़े हैं, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, तिरुपति आकर टकला बन जाऊंगा। जो श्रद्धा से मेरी चौखट पर आते हैं मैं उसी का काम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कोई आकर ऐश्वर्या राय से मेरी शादी करवाओ ऐसा कह रहा था, जबकि ऐश्वर्या की शादी मैं अभिषेक से करवा चुका हूँ। तुम्हारा केस भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा मत कहो स्वामी प्लीज, सर के बाल दूंगा बोल दिया ना स्वामी। नहीं, पहले अपने बाल मुझे अर्पण करो, तभी मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। ठीक है स्वामी, ऐसा ही होगा, सरू से शादी करके फैमिली के साथ आकर मेरे बेटे को भी टकला बनाऊंगा। बाय स्वामी। बदमाश लड़का। डैडी मेरी एज क्या है? मेरी पैंट फाड़कर जब तुमने कोट सिलवाई थी तब तुम 12 साल के थे, मेरी शर्ट फाड़कर जब तुमने चड्डी सिलवाई थी उस समय 13 साल के थे। और मैंने एज पूछी है तो आप पिछली जिंदगी की कहानी क्यों बता रहे हो? तुमने काम ही ऐसे किया इसलिए जानना जरूरी है, समझा? सुनने में बुरा लग रहा है क्या? इतना बड़ा बेटा हो गया आपका, आपने कभी सोचा है मेरे बारे में? अरे तेरे बारे में सोचकर मैं क्या करूंगा, गधे का बच्चा। पैदा करने से बाप का फर्ज पूरा हो जाता है, शादी करना भी आपका फर्ज है ना, तभी खुशी से खेलता रहता हूँ तो बीच में आकर मीटिंग शुरू कर देते हो। आप जैसा बाप हो तो मेरे जैसे बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ों की इज्जत किए बिना अनाप शनाप बोलता जा रहा है तू, चुप रह और बड़ों की इज्जत करना सीख तू। समझ में ना आए ऐसी क्या बात है इसमें? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी के लिए उससे कहा तो उसने कहा पहले अपने पेरेंट्स को मनाओ, कुछ भी हो पेरेंट्स है ना, यही बात बताने आया हूँ। मार खाएगा क्या तू? अरे तू है क्या, तेरी उम्र क्या है? ए, मैंने उसी दिन कहा था ये नालायक कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा, सुना तूने? अरे ये सब लव क्या है, शादी क्या है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ खराब नहीं हुआ, मैं शादी करना चाहता हूँ। इतने से पेट नहीं भरा शादी करनी है? तुम्हें टकला बनाकर सिग्नल पे बिठाऊंगा। नहीं डैडी, अरे बेल से मारूंगा तुझे। शादी क्या करनी है? शादी करनी है? नहीं नहीं, शादी करेंगे। डैडी छोड़ मुझे, शादी करने की। डैडी प्लीज, चल इधर, चल बैठ। बित्ते भर के है नहीं और शादी करेंगे, सुनो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कोई सुनेगा तो?
अरे अरे चुप हो जाइए, मैं सब पूछती हूँ इससे। अरे वो लड़की कौन है बता? अरे सठिया गई है क्या? अरे मारने के बजाय पूछ रही है लड़की कौन है यहाँ। अरे हटिए जी। बेटा वो लड़की कौन है बेटा बोल? सामने के अपार्टमेंट में 302 की सरस्वती। सरस्वती अभी उसको सबक सिखाते हैं, चलो। राम राम, ये क्या है बेटी, ये तुमने क्या कर दिया, इतना नीच काम किया? बाप रे बाप, मेरा बेटा है ना, सुबह उठते है उसकी आंखें इस लड़की के फ्लैट की तरफ होती है। ये लड़की जब तक ड्यूटी नहीं जाती तब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता। तुम्हारी वजह से मेरी बबलू की जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसे अच्छा बनाना है तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बच्चा गलती करता है तो उसे सुधारना चाहिए, वो छोड़कर तुम कह रही हो कि उसके पेरेंट्स को समझाओ, उसके लाइफ को बर्बाद कर चुकी हो। जरा उसकी उम्र देखो और खुद की देखो। छी, एक औरत होकर ऐसा काम करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हारे जैसी औरत को इस अपार्टमेंट में फ्लैट देना हमारी ही गलती है, इमीडिएटली खाली करके चली जाओ यहाँ से। इससे बातें करके कोई फायदा नहीं, धक्के मार कर निकालो। ए! ज्यादा बात मत करना, ऐसी लड़की से बात करनी ही गलत बात है। आपके फ्लैट से इसे खाली करवाइए, नहीं तो इसका सामान निकाल के रोड पे फेंक दूंगी। बस करो प्लीज। मेरी नजर में वो हमेशा से एक छोटा बच्चा था, अकेलेपन में मुझसे सहारा मिल गया ये सोचा था मैंने, लेकिन इतना रिएक्ट होगा मैंने नहीं सोचा था। क्या कह रही है, मजबूरी का फायदा उठा रही है? फायदा उठाने वाली मैं नहीं, आप हैं। अगर सच कहूँ ना, आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है, अपना काम करते हुए अपने बच्चों को के सेंटर में रेसिडेंट स्कूल में पढ़ाया काफी है क्या? आप लोग यही प्यार दे रहे हैं अपने बच्चों को? संडे के दिन भी कोई इंजॉयमेंट नहीं है? माँ का रास्ता माँ का है, बाप का रास्ता बाप का है, बच्चों का रास्ता बच्चों का है, यही प्यार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? सेल फोन दिला रहे कह के सोचते हैं, उस सेल फोन से किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। इससे आगे बच्चों के सामने रोमांस करते हैं, बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना होता है, बच्चों के सामने सब कुछ, बच्चों के सामने आपकी हैवानियत सब कुछ उनके सामने। मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं किसी के साथ भी डेटिंग नहीं करती हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मैं मेरी अकेली जिंदगी ने बहुत से सबक सिखाए हैं मुझे। आप जैसे इंसानों के साथ रहने से अच्छा है जंगल में जीना बेटर है। आऊंगा कहकर मेरी साइकिल लेकर भाग गया, अब क्या हुआ? तूने किसी से प्यार किया? नहीं तो? प्यार करते तो पता चलता कैसा लगता है, इसी तरह घूमोगे। यहाँ आने का कारण बताइए। बाबा मेरे बेटे को प्यासी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, कुछ दिनों से इसने पढ़ना लिखना। रोकिए, आखिर ये लिखना किस लड़की का नाम? अरे लिखना कोई लड़की का नाम नहीं है बाबा, वो हम लिखते हैं ना पढ़ने के बाद वो। ओहो ऐसा क्या, ठीक है आगे की कहानी बताओ। बाबा अपने फ्लैट में एक लड़की रहती है, ये उसके साथ रहता है, उसके साथ घूमता है और शादी की बात करता है और झगड़ा करता है बाबा, आप इसे किसी तरह ठीक कर दीजिए बाबा। ठीक है एक काम कीजिए। बताइए बाबा। तुरंत उस लड़की के साथ हाँ इसकी शादी करवा दीजिए, वो चुड़ैल भस्म हो जाएगी। इसका दिल बदलेंगे कहकर आपके पास लेकर आए, शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों अच्छा नहीं लगा क्या? बाबा क्रोधित मत होइए बाबा। मुझसे गलत बात क्यों करते हो? शांति रखिए बाबा शांति। रोकड़ा रखकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे बेटे के सर पे जो भूत सवार है उसे निकाल कर उसे आम आदमी बना दीजिए बाबा। हम जाकर आते हैं बाबा। तुम बेफिक्र रहो, अब जाओ यहाँ से। ए बाल प्रेमी इधर आओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? बताया ना मेरे डैडी ने। वो मैं सब जानता हूँ, तुम सिर्फ मेरे सवालों को जवाब दो। प्यार करता रहता हूँ। ये क्या कह रहा? किससे? लड़कियों से। यहाँ कोई सुंदर लड़की नहीं है क्या? ए, क्या रे मुझसे मजाक कर रहा है? बाबा मैंने आपको कहीं देखा है, आपने कुछ गेटअप चेंज किया है क्या? ए, कौन है ये बालक, क्या है इसकी कहानी? बाबा आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? बैंड बाजा बजवा कर लोगों को दावत देकर तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ मैं। किसके साथ? सरू के साथ। आइए आइए जल्दी आइए। इस बालक पर शादी का भूत सवार है, बंदी बना लो इसे। बस करो, रुक जाओ। ए बाल प्रेमी कैसा लगा, भूतनी हैया चली गई? मस्त लग रहा है बाबा,
लेकिन भूतनी गई नहीं। फिर से शुरू हो जाओ। ए, इसकी काम पूजा करनी है, उतारो। अब कैसा लग रहा है बालक? वाह, मार खाई कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है बाबा। हाय बबलू। सुरू, तुम यहाँ हो? सुरू, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। रोज तुम्हारी याद आती है सरू, यहीं रुको, यहीं पर रहना। ओके। सरू कहाँ चले गए? सरू, सरू कहाँ हो? सरू कहाँ है आपके सुपुत्र? मेंटल हॉस्पिटल में उसे नहीं, मुझे भर्ती करना पड़ेगा। अरे 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 अरे, छी 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 छी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें गर्मी ज्यादा हो गई इसलिए ऐसा कर रहे हो? उसके कपड़े मुंह में डालकर ऊपर से खुशबू लेते हुए मजा ले रहे हो क्या? देखा तुमने इसका पागलपन? ये क्या बेटा, अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे से जॉब करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, ये पागलपन क्यों कर रहे हो? अपना नाम करेगा? कर रहा है बदनाम। ए, तेरी उम्र कितनी है अभी तुझे याद दिलाता हूँ, समझा? बस भी करो। तेरी तो आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। सुनिए एक मिनट, छोटा बच्चा है, उसे प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा, पहले उसकी बात सुन लेते हैं, शायद कुछ अच्छी बात बताने से बदल जाए। ठीक है चलो। अरे बबलू ये ठीक नहीं है बेटा, ये तुम्हारी प्यार करने की उम्र नहीं है, हमें इतना दुख क्यों दे रहे हो? बिल्डिंग के सभी लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तो हमें कितना दुख होता है तुम्हें पता है बेटा? सहन नहीं होता है बेटा। बेटा हम जो भी करेंगे तेरे भले के लिए करेंगे, तुम पढ़ लिख कर अच्छे पोजीशन पे काम करोगे तो हमें खुशी होगी बेटा, ऐसे बुरे काम करना छोड़ दो, बड़े होने के बाद तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करवा देंगे। ऐसे कभी मेरे बाजू में बैठकर इतने प्यार से बात की आपने? जब भी देखो आपके झगड़े गाली गलौज, कुछ कहा तो बेल्ट निकालकर मारना शुरू कर दिया। सरू कितने प्यार से बात करती पता है? आप लोगों का प्यार नहीं मिला मुझे, उससे मिला, इसलिए उसे भुला नहीं पा रहा हूं मैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी उम्र के हिसाब से कम या ज्यादा होते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर की बनावट में उम्र के साथ फर्क आने लगता है। वहाँ और भी हैं, आओ सुरु पसंद कर लो, तुम्हें जो चाहिए वो। हाँ ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है बबलू। मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम यही रुको, ये लो। आओ सरू चलते हैं। कितना? तुम्हें इससे क्या, ये लो। ये क्रेडिट कार्ड तेरे पापा का लगता है, गलत है ना? मेरे पापा का नहीं, मेरे दादाजी का है। मेरा हक नहीं है क्या? तुम्हारे मेहनत से कमाए हुए पैसों से छोटा सा गिफ्ट दोगे तो काफी है, इतना पैसा खर्च करके देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बबलू, मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार, डोंट गेट डिसअपॉइंट। ठीक है चलो। तुमने मेहनत करके कमाए पैसों से छोटा सा गिफ्ट दोगे तो काफी है, खुशी से ले लूंगी। हमारे शरीर की जो लंबाई बढ़ती है या मोटापा बढ़ता है तो वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। इनके कम या ज्यादा होने से हमारा शरीर दुर्बल होने लगता है, इसीलिए इनका संतुलन होना बहुत जरूरी है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम कई तरह के विटामिन का सहारा लेते हैं। सरू घर में है क्या? सरू फ्लैट खाली करके चली गई बबलू। तुम्हारे लिए लाया हूँ सुरु, जब से मैंने होश संभाला है कोई भी मेरे साथ दोस्ती नहीं रखता था, मेरे स्कूल वालों को, अपार्टमेंट में मैं सबको एक इडियट की तरह दिखाई देता था,
मेरे सारे फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड हैं। जब मैं उनको साथ में देखता तो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती कितना अच्छा होता ये सोचता था। उसी समय तुम मुझे मिल गई, दोस्तों ने भड़का दिया। मैं एक यूजलेस फेलो हूँ, फ्रेंड्स की साइकिल जीतने की खातिर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाऊंगा शर्त लगा ली। मेरे माँ बाप ने कभी भी प्यार से पास बुलाकर ऐसे रहना है ऐसे करना है कभी नहीं बताया। उन दोनों का प्यार तुम दे रही थी तो इस सारी दुनिया को छोड़कर मैं तुम्हारे ही पास रहना चाहता था। उस फंक्शन में तुम मेरे साथ थी तो मुझे कितनी खुशी हुई पता है? कब सुबह होगी, कब मैं फिर तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा? रात भर तुम्हारे बारे में सोचते हुए सो जाता था। पता नहीं तुमसे प्यार हो गया या ये प्यार का अट्रैक्शन मुझे भी पता नहीं है। मैं ही नहीं, मेरी एज वाले सभी लड़कों में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में नहीं हूँ, एकदम क्लियर हूँ मैं। मेरे दिल की बात छिपाए बिना तुम्हारे साथ शादी करूँगा कहा था, तुमने थप्पड़ मारा तभी पता चला तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने मुझे कहा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, मैं तब भी नहीं समझ पाया कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो। तुमसे पहली बार मिला तभी मुझे मारकर भगा देना चाहिए था, तभी मैं अच्छा पढ़ पाता था। जब से तुम दूर हुई हो मेरी रातों की नींद उड़ गई है सरू। स्कूल में रहूं, घर में रहूं, तुम्हारी याद आती है सरू। ठीक से खाना भी नहीं खा पाता हूं, अब मैं क्या करूं सरू? कब तक अकेली रहोगी? किसी से कभी तो शादी करोगी ना, वो मैं क्यों नहीं हो सकता? बहुत प्यार करता हूं सरू, इससे और ज्यादा तुम्हें अच्छा नहीं समझा सकता हूं सरू। मेरे साथ चलो। बबलू, तेरी अच्छी लाइफ है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, उससे तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तब तेरी खातिर मेरी जैसी लड़कियां क्यों मैं खड़ी होंगी बबलू? तुम्हें जो लड़की चाहिए उसी लड़की से शादी कर सकोगे तुम। मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए, वो तुम ही हो। बबलू, तुम्हें कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। कैसे भी समझाओ समझ जाऊंगा। अरे बबलू प्लीज, मुझे छोड़ दो बबलू, तेरी मेरी जोड़ी सही नहीं है। तेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, तुम छोटे से बच्चे हो बबलू। असल में तुमसे क्लोज होना मूव होना मेरी गलती थी, इसीलिए अभी दुखी हो रही हूँ। ये सब मुझे पता नहीं, तुम मुझे पसंद हो। असल में मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सुंदरता, मेरा शरीर, जो चाहिए ले जाओ, ले लो। ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए। तुम प्यार नहीं करोगी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? तुम पागल हो क्या? इडियट, मेरे जैसे लड़के से प्यार करके क्या करोगे तुम? हाँ, शादी करूंगा। ओके, अब तुम्हें एक सच बताती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नेक्स्ट मंथ मेरी मैरिज है, चाहे तो मेरी शादी में आके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। सरू, सरू, सरू,
बबलू के पेरेंट्स आप ही हैं क्या? हाँ डॉक्टर। ही इज ओके, लेकिन सरू सरू कहकर किसी को याद कर रहा है। पता है डॉक्टर, वो आ जाएगी तो रिलैक्स हो जाएगा। सरू सरू बेटी सरस्वती, बबलू हॉस्पिटल में है। What? तुम्हें बहुत याद कर रहा है। ठीक है चलिए। क्यों रो रही हो सरू? मैं ठीक हूं ना, जब तक तुम हो मैं खुशी से रहूंगा सरू। तुम खुशी से रह सकते हो, मैं नहीं रह सकती। ऐसा काम क्यों किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ सरू। तुम मरने को कहोगी मर भी जाऊंगा। ऐसी बात मत करो बबलू, तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। क्यों दोस्ती की तुमने? मुझे मौत आ जाती तो अच्छा था। प्लीज सरू, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पागल की तरह बातें मत करो बबलू। किस लिए किया ये सब? इस उम्र में ये सब कुछ? अच्छे से पढ़ लिख कर खुशी से अच्छा काम करो। मुझे देखकर शर्म आ रही है ना? शर्माए बिना और क्या करूं कहो? ऐसा करोगे तो मैं नहीं सभी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे बबलू। फिर क्या करूं मैं? तुम शादी कर रही हो कहा था ना, ऐसे में मेरा जीना बेकार है। तुम्हारे साथ कोई और रहे मैं देख नहीं सकता सरू। अब भी फूलिश की तरह बात कर रहे हो तुम। Try to understand me. हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं बबलू। एक बार I love you कह दो ना, प्लीज। कहूंगी तो भूल जाओगे क्या? तो फिर मत कहो, तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। भूल जाना है तो मुझे क्या करना होगा? तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, इसीलिए मैंने अपने दोनों हाथों को सजा दी है तुम्हारी खातिर। अरे बबलू गम, मेरी लाइफ में मैं किसी से नहीं डरी, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। फर्स्ट टाइम मैं तुमसे मांग रही हूँ, एक वादा करो। कहो। लाइफ में फिर कभी मेरी खातिर ऐसा काम नहीं करूंगा कह के प्रॉमिस करो। मैं भी एक वादा चाहता हूँ, मुझे भी तुम प्रॉमिस करो। कहो। जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। बबलू क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रहे हो? सरू तुम यहीं हो? फिर वो वॉचमैन क्यों बोला कि तुम चली गई हो? उसे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ क्या? अब तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। कुछ भी दे सकती हो क्या? एनीथिंग, कुछ भी कहो, नो नहीं कहूंगी। अगर मैं चुम्मा मांगू तो? ओह शिट, इतनी सी बात, इसके लिए क्यों शर्मा रहे हो? रोहित प्लीज जस्ट गो। सरू मेरे पापा को मैं समझा दूंगा, एक बार मेरे घर तो आओ ना। रोहित क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मैं शादी नहीं कर सकती, कहा ना तुमसे, पैसे वालों को बहुत मिल जाएंगे, किसी और से शादी कर लो प्लीज। प्लीज गो अवे। सरू मैं मनाऊंगा पापा को। सरू बात सुनो, व्हाट नो इज डू फॉर यू? सरू कम ऑन यार प्लीज। मैं तुमसे कह रहा हूं, समझ में नहीं आता क्या, क्यों मुझे सता रही हो? तुम मुझे पागल समझ रही हो क्या? यू ब्लडी,
अरे पगली, कितनी बार समझाऊं तुझे? मेरी सरू को मारता है। सरू, सरू, मैं बबलू हूँ सरू, उठो सरू, उठो सरू। उस इडियट को मैंने मार दिया सरू, सरू। सरू को तूने क्यों मारा? सरू ने क्या बिगाड़ा था तेरा? सरू उठो सरू, सरू प्लीज सरू, सरू प्लीज उठो सरू, मैं बबलू हूँ सरू, सरू। बबलू, तुम? हाँ सरू, मैं हूँ। कैसे हो सरू? अब कैसे हो तुम? उसे मार दिया सरू, मार दिया। मारा उसे? रोहित, 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 God, he's dead. मर गया? बबलू, पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा सरू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम जहाँ रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा सरू। तुम्हें पता नहीं, तुम चले जाओ, पुलिस आ जाएगी। तुम्हें आगे बढ़ना है, लाइफ सारा खराब हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा क्या? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा प्यार चाहिए सरू। ए, लव से ज्यादा लक्ष्य जरूरी है। लव का मतलब ट्रैश, जस्ट आकर्षण। अनुभव करने के बाद पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। तुमसे लव करता हूँ सरू। पागल कहीं का, जाओ। तुमसे कह रही हो ना, जाओ। तुमसे कह रही हो पापा, जाओ। बबलू के गुनाह की सजा सरू ने अपने ऊपर ले ली और अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। सरू, सुन रीटा, इसका नाम सरस्वती है, इसे यहाँ का काम समझा दे। आओ बेटी, आओ। हाँ हाँ हाँ, चलो देखना काम। ए, ठीक से काम करो। ए, चलो चलो काम करो, ठीक से झाड़ू मारो। हाँ, तुमसे मिलने कोई बबलू आया, चलो। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हें कभी ना कभी बाहर ले। मैं कैद यहां रोए, जाने गम कोई ना क्यों बहे ये आंसू, यहां दर्द कैसे कोई अपना कहे। जिंदगी बिन कसूर ये सजा, खामोशी जीवन है, तुमसे हो के जुदा। कैसी है ये दुनिया, अपना नहीं कोई, दिल पिंजरे में कैद यहाँ रोए।
बेटा बबलू, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिस लड़की से प्यार किया जाए उसके लिए इतना कुछ करना बड़ी बात होती है। तुम ये केस जरूर जीतोगे। जिस लड़की से प्यार किया उसके साथ खुश रहोगे, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? इस केस में तुम जरूर जीत के आओगे बेटा। योर ऑनर, इस केस में मिसेस शालिनी को पहली गवाह के रूप में पेश करने के लिए अदालत से इजाजत चाहता हूं। आपका नाम? मिसेस शालिनी राव। राव जी क्या करते हैं? मेरे पति जेके कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर हैं। राव जी की आप अकेली वाइफ हैं या उनकी कोई और भी वाइफ है? व्हाट डू यू मीन? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। राव जी की आप अकेली वाइफ हैं या कोई और भी है? नहीं, मैं अकेली हूँ। आपके राव जी के अलावा किसी और के साथ संबंध थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारे डिफेंस लॉयर केस को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। योर ऑनर, इस केस में एक गवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर पहले मेरे क्लाइंट को सजा दिलवाई गई थी, इसीलिए इनको बताना होगा। सच या झूठ जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो बताइए मैडम, तुम्हारे राव जी के अलावा पहले किसी के साथ संबंध? नहीं, मेरी शादी राव जी से ही हुई है, किसी और से संबंध नहीं है। झूठ है योर ऑनर। पहले शालिनी जी की दो बार शादी होकर डिवोर्स लिया है, इसके सारे सबूत है मेरे पास। कोर्ट से निवेदन है कि इसे देखकर फैसला सुनाएं। झूठ है, मैंने दो बार शादी नहीं की है। तो फिर एक बार हुआ क्या? सच बताइए शालिनी जी, जज साहब सबूत देख लेंगे तो सच सामने आ जाएगा। अदालत को गुमराह करने के जुर्म में कम से कम आपको 3 साल जेल की सजा हो सकती है। बापरी, जेल? मैं सच बताती हूँ, मेरी इससे पहले नागपाल नाम के कॉन्ट्रैक्टर से शादी हुई थी, लेकिन 2 साल होने से पहले ही उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। उन्होंने नहीं दिया, मिसेस शालिनी ने उनको तलाक दिया था। उनकी कमाई से इनके ऐशो आराम पूरे नहीं हो रहे थे। व्हाट इज दिस मिस्टर डिफेंस लॉयर, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? माफ कीजिए योर ऑनर, आपको सबमिट किए हुए सबूत सिर्फ कोरे कागज हैं। मिसेस शालिनी के जुबान से सच उगलवाने के लिए ऐसा करना पड़ा, इसके लिए अदालत से माफी चाहूंगा। भगवत गीता पर हाथ रखकर, सच बोलने की कसम खाकर आपके सामने झूठ बोलने वाली मिस शालिनी जी के बयान के आधार पर कुछ साल पहले मेरी क्लाइंट को सजा सुनाई गई थी। मिसेस शालिनी जी, अब आप जा सकती हैं। अब मैं एक और अहम गवाह आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। ये मेरी क्लाइंट है सरस्वती। कत्ल होने से पहले के इनकी कंपनी के बॉस एमडी के जायदाद के कागजात हैं, उन्हें मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। इन कागजात के मुताबिक कुंदन शाह ने अपनी सारी जायदाद संत टेरेसा अनाथ आश्रम को डोनेट की थी। उस ट्रस्ट का काम मिस सरस्वती जी को दिया था। इतना ही नहीं, जुर्म चुपचाप सहकर जेल जाने तक उनकी कमाई में से आधा हिस्सा उस अनाथ आश्रम को डोनेशन के रूप में जाता है। इनका कमाया हुआ पैसा जहां ये पढ़ लिख कर बड़ी हुई उस अनाथ आश्रम को दान करने के लिए दे दिया। ऐसी दयालु मिस सरस्वती जी पैसों की खातिर उस रोहित सिंह का कत्ल कर सकती हैं क्या? कम से कम 20 करोड़ जायदाद के मालिक रहे इनके बॉस कुंदन शाह, अपनी सारी जायदाद इनके नाम करने को तैयार थे, पर इन्होंने मना कर दिया। ऐसे में पैसों की लालच में इन्होंने रोहित का कत्ल किया कहना कहाँ का इंसाफ है? एक बार आप ही सोचिए, अदालत से अनुरोध कर रहा हूँ। That's all, Your Honor. Your Honor, हमारे डिफेंस लॉयर विजय दीनानाथ के दिखाए हुए आधार के मुताबिक अगर ये कत्ल सरस्वती ने नहीं किया ये बात सच है, तो फिर रोहित के हत्या के पीछे वो दूसरा आदमी कौन है? वो आदमी कौन है ये फैसला हुए बिना ऑलरेडी सजा काट रही मुजरिम को छोड़ देना अदालत के खिलाफ है। योर ऑनर, लगता है हमारे युवा लॉयर कानून को बदल कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों से अदालत क्या अर्थ निकालेगी योर ऑनर? इसका समाधान मेरे पास है योर ऑनर, लेकिन उससे पहले मैं ये वर्दी निकालकर वहां खड़े होने की अनुमति अदालत से चाहता हूँ। योर ऑनर, भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, सब कुछ सच कहूंगा
झूठ नहीं बोलूंगा। नए सिरे से पेश किए हुए गवाह सबूतों को परिशीलन करने के बाद सरस्वती नाम की मुजरिम अकेली ने हत्या की है कहकर फैसला नहीं हुआ है, इसीलिए आखिरी फैसला सुनाने तक सरस्वती को साधारण बेल मंजूर करने का आदेश देते हुए मिले हुए नए सबूतों की मदद से पुलिस वालों को छानबीन करने की अदालत आदेश देती है। द कोर्ट इज ए जज टू मारो। अब तो मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं। आपको मास्टर दीनानाथ याद है? मास्टर दीनानाथ मतलब? बबलू। बबलू? वो बबलू मैं ही हूँ। तुम बबलू? सरू सरू, सरू चुपचाप क्यों जा रही है? तुमने अंदर रहकर सजा काटी है, मैंने बाहर रहकर नरक भोगा है। जिंदगी में गलती की, उसे सुधारने के लिए ला पड़ा मैंने। तुम्हें बाहर लाने के लिए कितने रात सोया तक नहीं पता है? तुम्हारी उम्र 40 साल हो 50 साल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर प्यार का उम्र से क्या संबंध है? वो किसी भी उम्र में किसी के साथ भी हो सकता है। इस दुनिया में मुझे पसंद आई हुई पहली लड़की तुम ही हो। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि अपनी पसंद की लड़की की खातिर सारी जिंदगी वेट करूंगा। अभी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। मैंने उसी दिन कहा था मेरी पसंद की लड़की के खातिर सारी जिंदगी वेट करूंगा। बबलू, अभी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं ऐसे ही तुम्हारी खातिर जीता रहूंगा। बबलू, I love you यार, बबलू, I love you। मैं अनाथ की तरह जी रही थी, अनाथ नहीं हूँ कहकर, मेरी खातिर एक इंतजार कर रहा है कहकर, अभी पता चला। किस लिए तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? किस लिए मुझे फिर से अकेली बना रहे हो? तुम पास आकर दूर चले जा रहे हो। जाने अनजाने में गलती हो गई, किसी एक को तो सजा काटनी ही थी ना। तुम्हारी खातिर इतने साल इंतजार किया, मेरे खातिर थोड़े दिन वेट नहीं करोगी क्या? तुम्हारे खातिर मैं कितने भी साल वेट कर सकती हूँ। तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, हंसो ना एक बार। प्यार में जिंदगी बर्बाद होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्यार में बबलू की जिंदगी आबाद हो गई। सरस्वती से वो इतना प्यार करता है, इसीलिए उसमें जीने की चाह पैदा हो गई। समुंदर में भटके हुए उसके प्यार की कश्ती को एक किनारा मिल गया। सरू से वो इतना प्यार करता है, इसीलिए उसने प्यार में जीत हासिल की। प्यार करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, उसके प्यार ने इस बात को साबित कर दिया था। मैं प्रेमी बनकर जीत गया। I love you।
मैं प्रेमी बनकर जीत गया।